देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के मुख्य समाचारों में हम जानेंगे उड़ीसा में हुई भीषण ट्रेन हादसे के बारे में, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण पर लगे आरोपों के बारे में, बात करेंगे हम पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की और अंत में हम जानेंगे मौसम विभाग ने क्या जारी किया है अपडेट। फिलहाल वीडियो की शुरुआत से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बालासोर ट्रेन हादसे में कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने उठाए सवाल, कहा रेलवे का कवच कहां गया। खाद्य तेल के दाम में 12 रुपए कम होने पर केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से कंपनियों को दिए कटौती के आदेश। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पत्नी की बिगड़ी तबीयत, सिसोदिया से बिना मुलाकात के ही करवाया गया अस्पताल में भर्ती। ज्ञानव्यापी मामले में हिंदुओं के पक्ष में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की अहम टिप्पणी, कहा साल में एक बार पूजा से ही खतरा नहीं तो रोजाना से क्यों। उड़ीसा ट्रेन हादसे के कारण गोवा मुंबई वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन किया गया रद्द। अब कैंसर का इलाज भी होगा आसान, महाराष्ट्र पंजाब और आंध्र प्रदेश में बनाए जाएंगे टाटा मेमोरियल सेंटर, इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक देगा करोड़ों का योगदान। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर 300 से ज्यादा लोगों की जान गई। हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए रेल मंत्रालय ने 10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने की घोषणा की है। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी बीते दिन घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे की समीक्षा की। दरअसल ये हादसा बालासोर स्टेशन के नजदीक महानंगा बाजार स्टेशन के पास हुआ। हादसे के समय आउट लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी, हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि चेन्नई जा रही थी, महानंगा बाजार से 300 मीटर पहले पटरी से उतर गई। इसके बाद हादसा इतना भयानक हुआ कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया और इस ट्रेन के पीछे वाली बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। उसी समय तीसरे ट्रैक से आ रही हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से स्पीड से टकरा गई और एक भयानक हादसे का रूप ले लिया। हादसे का रूप तो पहलवानों की चल रही खाप पंचायत भी ले सकती है, क्योंकि पहलवानों द्वारा दिए गए 5 दिन के अल्टीमेटम का समय धीरे धीरे पूरा हो रहा है और दूसरी तरफ ब्रजभूषण पर आरोप भी बढ़ते जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहलवानों से जुड़ी ये रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की यौन शोषण के आरोप में और बड़ी मुश्किलें। इस मामले में दिल्ली पुलिस को 4 गवाह मिले हैं जिन्होंने ब्रजभूषण पर लगे आरोपों की पुष्टि की है। बता दें ये गवाह उन सभी 125 गवाहों में शामिल हैं जिन्हें इस केस में शामिल किया गया है। शिकायत करने वालों में शामिल एक महिला पहलवान के कोच ने दिल्ली पुलिस के SIT को बताया कि ब्रजभूषण के सेक्सुअल फेवर मांगने के बारे में घटना के 6 घंटे बाद मुझे फोन करके बताया गया था। इसके अलावा इंटरनेशनल रेफरी ने कहा कि जब वे टूर्नामेंट के लिए इंडिया या विदेशों में जाते थे तो महिला रेसलर से उनके इस परेशानी के बारे में सुनते थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र पहलवानों की 5 मांगों को मानने के लिए तैयार है, जिसमें महिला कुश्ती कैंप लखनऊ से पटियाला, आरोपी कोच को हटाने, WFI को सस्पेंड करने, पहलवानों पर दर्ज दंगे के केस वापस लेने और महिला कुश्ती की कमान किसी महिला को सौंपना शामिल है। लेकिन ब्रजभूषण की गिरफ्तारी और फेडरेशन से पूरी तरह बेदखल करने की शर्त पर सरकार राजी नहीं है। इस पर सरकार का कहना है कि पहलवान चाहे किसी भी एजेंसी से जांच करा ले, लेकिन वे सीधे ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने का आदेश नहीं दे सकते। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने को लेकर भी सरकार की शर्त है कि पहलवान धरना छोड़ खेल पर लौटे। इस सारे मामले पर दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने कहा है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। SIT इस पूरे मामले की जांच कर रही है, इस मामले की पूरी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेंगे। सबमिट तो नहीं लेकिन संशोधन तो पीएम मोदी भी करेंगे, विदेश की धरती पर जाकर, और इनके लिए पीएम मोदी को इनवाइट भी किया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा हुआ तय, 21 से 24 जून तक अमेरिका में रहेंगे पीएम मोदी। इस दौरान पीएम मोदी 22 जून को वॉशिंगटन में संयुक्त राज्य कांग्रेस की एक संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी अमेरिका प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी ने ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि पीएम मोदी 22 जून को अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी का यह दौरा हमारे लिए भारत और अमेरिका के बीच स्थायी दोस्ती का जश्न मनाने का मौका रहेगा। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अमेरिका के दौरे पर हैं और वो 21 जून को भारत लौट रहे हैं। लौट तो इन दिनों गर्मियां भी वापस आई हैं, बारिश जाने के बाद और आने वाले पखवाड़े में तापमान भी कुछ से कुछ रहने वाला है। आइए देखते हैं मौसम विभाग से जुड़ी ये रिपोर्ट।
इस बार जून महीने की शुरुआत ठंड से होने के बाद मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है, जिसमें विशेषज्ञों का कहना है कि इस सप्ताह में तापमान बढ़कर 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा 14 दिन का पूर्वानुमान लगाने वाली कुछ वेबसाइटों के मुताबिक इस बार 15 जून तक तापमान 44 से 47 डिग्री के बीच रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री रहा, जो कि सामान्य तापमान से 6.5 डिग्री कम था। वहीं न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री था, जो सामान्य तापमान से 6 डिग्री कम रहा। अब आने वाले पखवाड़े के लिए लोगों को गर्मी की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज से मौसम शुष्क होने जा रहा है और आने वाले 4 दिनों के बीच मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिलेंगे। IMD के मुताबिक 5 जून तक दिल्ली NCR का तापमान 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसके बाद तापमान में लगातार इजाफा होता रहेगा। हालांकि 7 जून को आंधी व हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन इससे किसी भी तरह की कोई राहत की संभावना नहीं है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और इसी तरह देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।